रिश्ते साथ फेरों के प्रायोजक है इंपीरियर वेडिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज का खास कार्यक्रम रिश्ता साथ फेरों का, और आज मैं खड़ी हूँ बजाज स्टूडियो पे और मेरे साथ हैं ललित बजाज जी। तो आइए जानते हैं उनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि बजाज स्टूडियो की शुरुआत कैसे हुई। मैम, बजाज स्टूडियो की शुरुआत बचपन से ही फोटोग्राफी का शौक था, तो वो शौक करते करते इस फील्ड में आ गए, तो इसी से ही बजाज स्टूडियो की शुरुआत हो गई। अगर बात करें सर आपके, जो आप कह रहे हैं ना बचपन से ही, तो आपने कब से, कब लगा आपको कि आपको इसी क्षेत्र में जाना है? बस शौक पूरा करते करते इस फील्ड में धीरे धीरे अपने आप ही आ गए। ऐसा कुछ नहीं था कि करना यही है जी। लेकिन शौक पूरा करते करते इस लाइन में अपने आप ही चले आए। सर, जो महिलाएं होती हैं, स्पेशली लड़की होती है, जो वो उसका बहुत ही सपना होता है, एक सपना होता है कि मेरी जो शादी हो उसके कुछ पल ऐसे होते हैं कि वो हमेशा यादगार रहे, तो आप उनकी इस चीज़ को कैसे पूरा करते हैं? उनके अच्छे अच्छे पिक्चर्स लेके हर एंगल से हम उनकी पिक्चर्स लेते हैं, फिर वो पिक्चर्स हम उनको दिखाते हैं। और जो लड़कियाँ सोचते हैं, अब इतने टाइम हो गया इस फील्ड में मैं काम करते करते, तो इतना तो समझ है कि लड़कियों को क्या अच्छा लगता है, तो उसी हिसाब से उनके हर एंगल से फ़ोटोशूट करते हैं जो उनको अच्छे लगे वो उनको फिर हम दिखाते हैं, फिर उन्हीं को हाईलाइट करते हैं। सर, आजकल की महिलाओं की पसंद काफ़ी चेंज होती जा रही है, तो उसमें आप कैसे खड़े उतरते हैं? चेंज देखो, हम भी अब टाइम के हिसाब से हमें भी चेंज करना पड़ता है। अगर हम चेंज नहीं होंगे तो फील्ड में सक्सेस नहीं मिल सकती। तो जिस तरीके से आजकल के यंग बच्चे आ रहे हैं, वो जैसी वो फोटोग्राफी चाहते हैं, तो हम उन्हीं के हिसाब से करते हैं। अगर बात करें सर प्री ब्राइडल शूट की, तो आप किस तरह के प्री ब्राइडल शूट करते हैं? प्री ब्राइडल शूट ऐसा है कि हर तरह की लड़की जो है, कोई मेकअप करवाते हुए चाहती है कि मेकअप जब शूट हो रहा है, जब हो रहा है मेकअप हो रहा है, तो वो उसी को शूट करना चाहती है। कुछ होती है कि बाद में अपनी ड्रेसेस को हाईलाइट करना चाहती है, जैसे लहंगा इसका बड़ा फैशन है तो उनको हाईलाइट करना चाहती है। तो अलग अलग डिफरेंट सबकी जैसी चॉइस होती है, हम उसी हिसाब से करते हैं। सर, बात करें अगर महिलाओं की शादी का लम्हा, तो बहुत ही उनका स्पेशल होता है, उसके अलावा आप कौन कौन से लम्हे को अपने कैमरे में कैद करते हैं? देखिए जी, शादी के जितने भी लम्हे आ जाए, वो हल्दी हो जी, या मेहंदी हो जी, कॉकटेल हो जी, शादी तो है ही है, सगन है, रिंग सेरेमनी है, काफ़ी सारी। अब शादी में भी ना काफ़ी वेराइटीज बढ़ती चली जा रही है, फैशन बढ़ता चला जा रहा है, तो हमारे लिए तो सारे लम्हे अच्छे हैं, हमें सब कैप्चर करने हैं और उनको अच्छे तरीके से, जितना अच्छे तरीके से हम शूट करते हैं और उसको दिखाना है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम तो हर लम्हे को दिखाएं। ललित जी से हमारी बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। रिश्ते साथ फेरों के प्रायोजक है इंपीरियर वेडिंग, महिला मंडल पंजाबी बाग। आपका अपना यूनिफॉर्म वाला आपकी पहचान, एग्जॉटिक कार, इंपीरियर वेडिंग। किचन से चली खुशबू स्वाद की, मेरी जान तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। ब्रेक के बाद स्वागत है, आइए चलते हैं ललित जी के पास। ललित जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो इंसान होता है हर कोई ज़्यादा महंगा अफोर्ड नहीं कर पाता, तो आप उनकी पसंद को कैसे पूरा करते हैं, उनके बजट में रहकर कैसे उनकी जो लम्हों को होते हैं वो कैद करते हैं? देखिए, ऐसा है कि हर क्लाइंट का अपना बजट होता है जी। कोई कहते हैं कि मुझे बजट तो मैं नहीं बता सकता जी, हमें अकॉर्डिंग टू बजट उसी हिसाब से काम करना होता है, अपने स्टाफ को लगाना होता है कि इस बजट में हम कितना स्टाफ प्रोवाइड कर सकते हैं। काम चाहे वो कम स्टाफ का हो या ज़्यादा स्टाफ का हो, काम को हमने अच्छे तरीके से करना है ताकि क्लाइंट हमारा सेटिस्फाइड हो सके। सर, अब मैं बात करूँगी सर्विसेज की, बजाज फोटो स्टूडियो सर्विसेज की बात करूँ। सर्विसेज में ऐसा है मैडम, आजकल मैंने भी बताया था आपको कि शादी में पहले होता था, एक टाइम था जब शादी होती थी कि एक छोटा सा सगन हुआ या शादी हुई, उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हो जाता। अब थोड़ा सा फैशन बढ़ता जा रहा है, बच्चों की डिमांड बढ़ती जा रही है, लोगों को एक एंजॉय करने का तरीका हो गया है कि वो पहले रिंग सेरेमनी भी करते हैं, सगन भी करते हैं, हल्दी को भी अब बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, मेहंदी को भी बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे को
उन सभी फंक्शन में अच्छी से अच्छी सर्विस देनी है। तो उसमें हम सर्विस में क्या होता है कि आजकल फोटोग्राफी में कैंडिड फोटोग्राफी बहुत फेमस हो गई है, वीडियोग्राफी में सिनेमेटिक बहुत अच्छी हो गई है, तो ये सब लोगों को हमें समझाना होता है कि इसमें हम क्या क्या आपको डिफरेंस, इसमें क्या डिफरेंस है एक ट्रेडिशनल और इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो उसी हिसाब से हमें काम करना है। आज दिल्ली में कई सारे फोटो स्टूडियो हैं, तो अगर बात करूँ बजाज स्टूडियो की, तो वो लोग अन्य स्टूडियो को छोड़कर आपके पास आए क्यों? सर्विस और क्वालिटी जी। अगर आप अपनी मेंटेन रखते हैं तो लोग ऑब्वियस है एक दूसरे को रेफरेंस भी देते हैं कि आपने यहाँ से काम कराया था तो आप बजाज स्टूडियो पे जाइए और बजाज स्टूडियो से काम कराइए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो कोई आपके पास नहीं आएगा। तो यही हमारी स्पेशलिटी है कि हम कस्टमर को पूरी तरह से सेटिस्फाई करते हैं। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम रिश्ता सात फेरों का। बने रहिए MMPV आवाज़ के साथ।